الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله शामिल हो जाए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह हमको या हबीब
बल्लाम। पहुंच जाएंगे जिस दिन ऐ उजागर उनके कदमों में, पहुंच जाएंगे जिस दिन ऐ उजागर उनके कदमों में, पहुंच जाएंगे जिस दिन ऐ उजागर उनके कदमों में। किसे कहते हैं जन्नत का नजारा हम भी देखेंगे, किसे कहते का नजारा हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको अल्लाह के फजल व करम से दोबारा ये जुमात मुबारक आप अहबाब को हासिल हुआ, मुझे भी जुमात मुबारक का दिन मिला और अल्हम्दुलिल्लाह जामा मस्जिद बिलाल में खिताबत करने की सआदत हासिल है और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हो रही है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला मुझे हक कहने और आप अहबाब को हक सुनने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आज का मेरा मौजू है रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करना। मैंने कुरान मजीद अल-फुरकान हमीद की एक आयत मुबारका तिलावत करने की सआदत हासिल की, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है, और अल्लाह से डरो जिसके नाम पर मांगते हो और रिश्तों का लिहाज रखो, बेशक अल्लाह हर वक्त तुम्हें देख रहा है। यानी अल्लाह तबारक ताला ने हुक्म दिया कि रिश्तों का लिहाज रखो, मतलब ये कि जो रिश्तेदारी है उसकी हिफाजत करो। मैं, मेरे वालिदैन, मेरे बहन भाई, मेरी औलाद, मेरी जोजा, इस तरह करते करते जहाँ तक हमारी शाखें जुड़ रही हैं, जहाँ तक हमारे रवाबित हैं, ये जो रिश्ता है उसमें कभी भी दरार नहीं आनी चाहिए। इस रिश्ते को हम बाकायदा अपना संभाल कर रखें। आजकल माशरे में देखा जाता है कि लोग ज़रा ज़रा सी बात पर रिश्ते तोड़ देते हैं, कता तालुकी जिसे कहा जाता है वो इख्तियार कर लेते हैं। ज़रा सी कोई बात होती है, जैसे किसी रिश्तेदार ने किसी को कोई इज्जत ना दी, उसको कोई वैल्यू ना दी, फौरन उससे रब्ता ख़त्म, भाई उसने मुझे इज्जत नहीं दी, भाई उसने मुझे किसी के सामने कुछ पूछा भी नहीं, मैं कोने में बैठा हुआ था, मुझे अपने करीब बुलाया नहीं, आज से मेरा और इसका रिश्ता ख़त्म। याद रखे, रब तबारक ताला ने हुक्म दिया कि रिश्तों का लिहाज रखो। रब का जो हुक्म आ गया बस अब वो हम पर लाजिम हो गया। अब इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक सही बुखारी में है, इसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह ताला और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि मेहमान का इकराम करे, और जो अल्लाह ताला और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि सुलह रहमी करे। ये जो सुलह रहमी है ये बहुत ही एक अहम यानी काम है। एहसास, मेरा कोई रिश्तेदार है
वो किसी अज़ियत में मुब्तला है, किसी तकलीफ़ में मुब्तला है, तो मुझे चाहिए कि मैं उसके उन मामलात में जाकर जितना मुझसे हो सके उनके उन मामलात को मैं हल करूँ। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजकल लोगों की तकलीफ़ों को दूर करना क्या, उनमें तो और तकलीफ़ में इजाफ़ा किया जाता है। किसी का इंतकाल हो गया रिश्तेदार, हमने उस बंदे से बात ख़त्म की भी थी, उससे कोई रابطہ नहीं रखते थे, अब उसके यहाँ इंतकाल हुआ, उसके पास जाकर ताज़ियत करने के बजाय वहाँ पर जाकर दो से तीन ताने मार कर आ जाते हैं। एक तो उसके घर में किसी की मौत हुई, वो बेचारा उस तकलीफ में मुब्तला है, वो तकलीफ़ बर्दाश्त कर नहीं पा रहा, पूरी ज़िंदगी उसकी उजड़ चुकी है, अब उस वक्त जाकर दो से तीन ताने मार कर आना और उस तकलीफ़ में मज़ीद इजाफ़ा कर देना, ये रब तबारक ताला और मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद है। रब ने फरमाया कि रिश्तों का लिहाज रखो, और आका अलैहिस्सलाम ने रिश्तेदारी में सिला रहमी का हुक्म दिया। जब कुरान और हदीस में एक अमल का हुक्म आ चुका तो उसका मतलब है कि मुसलमान इस बात को थाम कर रखे और इस बात पर अमल पैरा हो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक ताला का फरमान जिसका तर्जमा, और जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी को ना पूजो और माँ बाप के साथ भलाई करो और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों से भी, सूरह बकरा आयत नंबर 83 में। आज हमारे माशरे में फिलहाल रिश्तेदारी को तो मैं दूर करूं, माँ बाप के साथ क्या सुलूक होता है यह आप भी बखूबी जानते हैं। माँ बाप ने एक बच्चे की परवरिश की, बच्चे को खाने पीने को दिया, बच्चे की फरमाइश पूरी की, पहनने को दिया, पहनना भी आला किस्म का, माँ बाप ने हल्का पहना औलाद को अच्छा पहनाया, सर्दी का मौसम आया माँ बाप ने मोटे कपड़े ना पहने, बच्चे की केयर की, बच्चे को मोटा कपड़ा दिया, क्योंकि मेरे बच्चे को कोई सर्दी ना लगे। अल्लाहु अकबर। जब बच्चा बड़ा हो रहा है माँ बाप इसके तालीम में खर्चा कर रहे हैं, अल्लाहु अकबर, यहाँ तक के मदरसे में बच्चे को दाखिला दिया है, ट्यूशन का सिस्टम रखा है, बच्चे की हर तरह की सहूलत बच्चे को दी गई, अल्लाहु अकबर। बच्चा बड़ा हुआ, जब बच्चे की शादी हुई और शादी भी माँ बाप ने करवाई, फिर बाद में बच्चा करता क्या है, माँ बाप को लात दे देता है, माँ बाप को घर से निकाल देता है, या फिर माँ बाप से अलहदा हो जाता है, और माँ बाप बेचारे उस उम्र में आ जाते हैं कि इनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, चल सही नहीं सकते हैं, सहारे की ज़रूरत होती है, बाप बेचारा इस उम्र में पहुँच जाता है कि कमा नहीं सकता, मोहताजी की उम्र हो जाती है, और वो औलाद माँ बाप पर उसने सुलूक नहीं करती, माँ बाप के साथ सिला रहमी नहीं करती। मुझे बताएं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो ये हुक्म फरमाया था कि मैं नमाज में हूँ और मेरी माँ मुझे आवाज़ दे तो मैं नमाज तोड़कर अपनी माँ को जवाब देने जाऊँ। मेरे नबी ने फरमाया कि नहीं फरमाया? मेरे नबी का फरमान है। हालांकि मेरे नबी अलैहिस्सलाम तो बालिग भी नहीं हुए थे कि वालिदे मोहतरमा का साया आपसे उठ चुका था, और माशरे को जब देखा तो मेरे नबी ने यह फरमान दिया कि माँ बाप की ताज़ीम बड़ी है, और माँ के बारे में तो कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जन्नत किसकी, औलाद की है। और रिवायतों में मिलता है कि बाप का भी बड़ा मकाम है कि बाप जब हाथ उठा ले तो बाप की दुआ फौरन कबूल होती है। ये हमारी जन्नत, ये हमारी दुआएं जिसकी आज लोग कदर नहीं करते। माँ बाप के हवाले से भी बताता चलूं,
आप में से या फिर बाहर जो सुनते हैं और पर्दों में जो हमारी माएँ बहनें हैं, अगर आपके वालिदैन हयात हैं, अगर आपसे कोई ऐसी खता हो गई कि वालिदैन का दिल टूट चुका, वालिदैन आपसे नाराज हो चुके हैं कि उन्हें मना लो, जब माँ बाप नाराज तो मेरा रब नाराज, मेरे नबी नाराज। लोग मुर्शिद के पास जाते हैं, पीरो मुर्शिद के पास, वहां जाके दुआएं मंगवाते हैं, उन्हें राजी करने की कोशिश करते हैं, उनके पास जाकर लंगरो न्यास करते हैं, क्योंकि मुर्शिद राजी हो जाए। याद रखो, मुर्शिद को राजी कर रहे हो और माँ बाप को नाराज करते हो तो मुर्शिद भी कुछ नहीं कर सकता। मैदाने मेशर में जाओगे, मुर्शिद के पास जाओगे, मुर्शिद को कहोगे या सैयदी आप मेरी बख्शिश और मगफिरत करवाएं, मुर्शिद जब रब की बारगाह में बख्शिश और मगफिरत करवाने जाएगा तो रब तबारक ताला फरमाएगा कि मैं तेरी नहीं सुनता, इसने तो अपने माँ बाप को नाराज किया है, इसने अपने माँ बाप को नाराज करके अपने लिए जहन्नम को खरीद लिया है। वहां तो मुर्शिद की भी नहीं चलेगी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी जब मैदान मेशर में आएंगे तो वो भी हमसे नाराज होंगे। क्यों? उनका भी यही कहना होगा, वो यही होगा कि तूने अपनी जन्नत को नाराज कर दिया, तूने अपने माँ बाप को नाराज कर दिया, अब तू मेरे पास क्या आया है। बेशक मैंने कहा था मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, मेरे मुरीदों को खौफ नहीं, तब नहीं, तब नहीं जब वो शरीयत मुतहरा पर अमल करेगा, तब उसे खौफ नहीं होगा। तूने तो शरीयत को छोड़ दिया, जिसने तुझे पाला, जिसने तेरी हर तरह की परवाह की, तेरी पूरी परवरिश की, तूने उसे छोड़ दिया। ये आजकल हमारे माशरे में ये बला बहुत आम है, माँ बाप को तरजीह नहीं दी जाती, दोस्तों की तरफ जाते हैं, दोस्तों को वक्त देते हैं और माँ बाप बेचारे इंतज़ार करते रह जाते हैं। माँ बाप इंतज़ार करते हैं कि मेरा लाल आएगा, वो मुझे वक्त देगा, मेरा वक्त उससे पास होगा, मैं उसको देखना चाहता हूँ कि वो कैसा है। और अफसोस की बात कि औलाद तो ऐश और इशरत में लगी हुई है, माँ बाप को टाइम नहीं देती है। इस्लाम ने कहा है कि जिंदगी गुजारो मगर मेरे दायरे में रहते हुए गुजारो, जिंदगी जाया ना करो, जिंदगी में कुछ वसूल करो। रिवायतों में मिलता है कि जो माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से देखता है, अल्लाह तबारक ताला उसे हज और उमरा का सवाब अता फरमाता है। हज करने के लिए हम तरस रहे हैं, उमरा करने के लिए तरस रहे हैं। पहले तो लोग हज के लिए तरसते थे, उमरा तो चलो हो जाता था, अब तो उमरा के लिए भी तरस रहे हैं। मगर ये तो देखो, हज जो उमरा हमारे सामने है, बस उसे अदा करना है। वो अदा ऐसे है कि माँ बाप को मोहब्बत से देख लो, अल्लाह तबारक ताला हज की और उमरे की सआदत बख्श देता है। लम्हा ब लम्हा हज का सवाब, उमरे का सवाब मिल रहा है। और अब भी और इस वक्त ऐसे भी घर हैं जो शायद माँ बाप को भूल भी चुके हैं, सालों गुजर चुके हैं, माँ बाप को देखा नहीं। शायद ये भी होगा कि उनको पता भी नहीं होगा कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा है कि नहीं है। ऐसे भी घर देखे हैं कि माँ घर में अकेली है और ऐसी हालत है कि बेचारी सहारा लेकर चलती है। ऐसे भी घर होंगे कि बाप अकेला है, बाप भी बेचारा सहारा लेकर चलता होगा। ऐसा घर भी मैंने देखा है कि माँ बाप दोनों बेचारे मोहताज हैं, माँ भी सही नहीं चल सकती, बाप तो बिस्तर पर है, वो बेचारे रात अकेले गुजारते हैं, बेटा जाकर अपनी फैमिली में ऐश और इशरत कर रहा है। मुझे बताएं ऐसों की बख्शिश और मगफिरत होगी? मैदान मेशर में पकड़े जाएंगे और फिर कैसी सजा होगी? अल्लाह हू अकबर।
आका अलैहिस्सलाम की हदीस से मुबारक है, जिसका मफहूम है कि जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया और उसकी खिदमत ना की, वो खाक आलूद हो, यानी वो तबाह बर्बाद हो, कि जिसने अपने माँ बाप को पाया बुढ़ापे की हालत में, इनको ज़रूरत थी अपनी औलाद की खिदमत की, कि मेरी औलाद खिदमत करे, ख्याल रखे, और वो इस सादत से महरूम हो गया, वो तबाह बर्बाद हो गया। तो अर्ज़ है कि अगर आपके वालिदैन हैं, अल्लाह उनकी उम्र को तवील फरमाए बगैर किसी मोहताजी के, उनका ख्याल रखें। अगर बिलफर्ज किसी वजूहात के सबब अगर आपका घर अलग है, तो आप रोज़ाना उनके पास जाएं, अगर घर के करीब हैं। अगर वो दूर रहते हैं तो राबता ज़रूर कायम रखें, ये नहीं कि उनको भुला दें, उनके एहसान आ दें। याद रखें, जितना ख्याल अपने वालिदैन का आप करेंगे, उनका एक हक भी आप अदा नहीं कर सकते। रिवायतों में मिलता है कि जो माँ का जो एक झटका होता है ना तकलीफ़ का, जब माँ अपने पेट में बच्चे को रखती है, जो तकलीफ़ें होती हैं, उस तकलीफ़ का हक भी हम सही मानों में अदा नहीं कर सकते। और ये भी मिलता है कि औलाद अपने माँ बाप को अपने कंधे पर बिठा कर पूरा हज करवा दे, तब भी माँ का एक हक अदा नहीं कर सकता। तो अर्ज़ है कि माँ बाप का ख्याल रखें। और आजकल हमारे माशरे में एक ख़राबी ये भी है कि यतीम बच्चों को बिल्कुल अजीब निगाहों से देखते हैं। यतीम बच्चों के हवाले से पता है कि आका अलैहिस्सलाम की रिवायत क्या है? आका फरमाते हैं, जिसका मफहूम है कि इनके जो सर के बाल हैं और बच्चा यतीम है, उसके सर पर जब हाथ फेर दिया जाता है, अल्लाह तबारक तआला इतनी नेकियां अता फरमा देता है। अब मुझे नहीं पता मेरे सर पे कितने बाल, आपको नहीं पता आपके सर पे कितने बाल हैं, सैकड़ों बाल होंगे। अब हमारे हाथ पे कितने इनके बाल टच कर जाते हैं और कितनी नेकियां मिल जाएंगी। और आज हम उन यतीमों को बिल्कुल दूर करते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने यतीमों को बहुत अहमियत दी है। एक मरतबा एक बच्चा ईद उल फितर के दिन एक कोने में बैठा हुआ था, दूसरे बच्चों को देख रहा था कि दूसरे बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, खुश हैं, वो यतीम बच्चा कोने में बैठकर रो रहा है, वो कपड़े जिस पर मैल वगैरह लगे हुए हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम जब उस रास्ते से गुजरे, उस बच्चे को देखा कि बच्चा रो रहा है, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को पकड़ा और अपने घर लेकर आए और हुक्म दिया कि उसे साफ कपड़े पहना दो, उसको नहला दो, उसको साफ कपड़े पहना दो। इसका भी हक है कि ये भी ईद मनाए। आप और मैं अपने गिरेबान में जागते हैं, ये एहसान हमने कभी किया कि नहीं किया? कितने हमारे जानने वाले हैं ना जो यतीम हैं, जिसके घर का जो सरपरस्त है वो दुनिया से रुख्सत हो गया, उनके घर का क्या गुजारा होगा, इनका घर कैसे चलता होगा? कभी हमने ये काम किया, इनको कोई सहूलत फराहम की? शायद नहीं की। आज तो यतीम को धुतकारा जाता है, उसके साथ इस तरह पेश आया जाता है कि वो हमारा कोई चपड़ासी हो, इसको कोई अहमियत ही नहीं दी जाती। याद रखें, अगर हमने यतीमों का ख्याल कर लिया ना, यतीमों का इसका हक अदा कर दिया, मैं ये दावा करता हूं कि अल्लाह तबारक तआला मैदान महशर में हमें ऐसी इज्जत अता फरमाएगा, शायद दूसरे लोग इस इज्जत के तलबगार हो जाए। अपना घर भी देखो, अगर जेब इजाजत दे तो उन यतीमों का भी ख्याल करो, मिस्कीनों का भी ख्याल करो। यतीम किसे कहते हैं? वही के जो नाबालिग बच्चा हो या बच्ची हो और उसके बाप का साया उस पर से हट जाए,
जब तक वो नाबालिग की उम्र में है तब तक यतीम है, जब बालिग हो जाएगा तो फिर यतीम नहीं कहलाएगा। अब मिस्कीन वो होता है कि जिसके पास अगले वक्त का कुछ ना हो, खाने पीने के लिए कुछ ना हो, वो मिस्कीन है। हमारे माशरे में अब भी वो मिस्कीन हजरात हैं। इस हालत की वजह से जो आजकल पाकिस्तान का जो हालत चल रहा है, इस वक्त कई लोग बेचारे मिस्कीन हैं, घर में कुछ नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, भूखे सो जाते हैं। ऐसा भी घर होगा कि भूखेपन की हालत में बेचारों की अमवातें भी होती होंगी। ऐसा भी होगा कि हमारे बराबर वाले घर में क्या हालत चल रहे होंगे। मगर बात तो यह है ना कि हम ऐश और इशरत में ऐसे लगे हुए हैं कि हमने उनका ख्याल भी नहीं रखा। अल्लाहु अकबर। दुनिया में हम नेकियां कमाने के लिए आए हैं। अल्लाह तबारक ताला ने नेकियां आसान रखी हैं जिन्हें हमने मुश्किल समझ लिया है। रिवायतों में मिलता है कि रास्ते में एक पत्थर है, पत्थर को साइड पे कर दिया, अल्लाह तबारक ताला नेकी अता फरमा देता है। माशाल्लाह यहाँ पर वह हजरात चेहरे से मुझे जाहिर है कि शायद यहाँ अक्सरियत पैसे वाले तो होंगे, ऐसा तो नहीं कि आप भी भूखे सोते होंगे। माशाल्लाह सेविंग तो होगी, तो कोशिश करें कि कुछ इतना हिस्सा निकालें कि जो गरीब आपको नजर आता है उसको दें, कुछ एक रुपया भी दे दें, छुप कर दे दें। सदके के बारे में बताया जाता है कि सीधे हाथ से दो, उल्टे हाथ को पता ना चले। तो याद रखेंगे, एक रुपया भी अगर दे दिया ना, तो ये एक रुपया भी मैदान मेशर में, मैदान में तोला जाएगा। हमारी नेकियां वैसी ही कलील है, और ये दुनिया नेकी कमाने का एक जरिया है। और यहां पे छोटी सी छोटी नेकी करें, बड़ी सी बड़ी नेकियां करें, कोई नेकी ना छोड़े, ये नेकियां इंशाअल्लाह जलील मैदान मेशर में हमें काम आएगी। आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक मुस्तदरिक में है, इसके रावी हजरत अमर बिन अबसर रदियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की बैसत के शुरू में ही मक्का मुकर्रमा आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप अलैहिस्सलाम से पूछा, आपकी क्या शान है, आपकी क्या शान है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं नबी हूँ। क्या हूँ? नबी हूँ। मैंने पूछा, नबी का क्या माना है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने अपना पैगाम भिजवाने के लिए भेजा है। नबी का मतलब क्या होता है? भेजना। क्या भेजना? पैगाम। और एक माना है कि इल्म गैब, यानी जो इल्म जो हमसे छुपा हुआ है वो जाहिर करना। मैंने अर्ज़ की, अल्लाह ने आपको क्या पैगाम देकर भेजा है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सिला रहमी करने, बूतों को तोड़ने, अल्लाह की तौहीद तो यकताई का पैगाम देकर भेजा है। आका ने पहला क्या फरमाया? सिला रहमी करने। अगर हम हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत को बगौर मुताला करें या किसी सहीयुल अकीदा सुन्नी आलिम से अगर आका अलैहिस्सलाम की सीरत को समाद करें, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत में ये जरूर मिलता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने लोगों के साथ सिला रहमी फरमाया। हुजूर ने किसी के गिरेबान में हाथ ना डाला। हुजूर अलैहिस्सलाम दीन की दावत दे रहे हैं, अल्लाह का हुक्म होता है कि तौहीद की दावत दो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम तौहीद की दावत देते हैं तो कुफार उस दावत को फौरन कबूल ना करते। कुफार तो हुजूर अलैहिस्सलाम पर नाउज़ुबिल्लाह पत्थर बरसाते, हुजूर अलैहिस्सलाम पर तशद्दुद करते, हुजूर अलैहिस्सलाम को जख्मी कर देते, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी पत्थर उठाकर उनको मारा नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खामोशी इख्तियार की। हुजूर अलैहिस्सलाम जुल्म सहते रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी भी रिप्लाई यानी हमला ना किया।
हुजूर अली सलाम ने अपना चेहरा वहीं मुस्कुराता हुआ रखा। आज सामने वाला अगर कभी कोई कड़वी बात कर दे तो हम कड़वी बात तो क्या, हम तो फौरन हाथापाई पर आ जाते हैं, तेरी मेरी पे आ जाते हैं, माँ बहन की इज्जत उसके सामने खराब कर रहे होते हैं, जुबान से इतने घटिया अल्फाज निकाल रहे होते हैं। हम मुसलमान हैं क्या? बोलते तो बड़े ढंके की चोट पर है, क्या मुसलमान है? मुसलमान को ये जैब नहीं देता। मुसलमान का जो नबी है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दुआएं दी हैं। हुजूर अली सलाम ने अगर बदुआ भी कुफार को दी है तो वो भी अल्लाह के हुक्म पर दी है। आज तो हम दुआ क्या बदुआएं ज्यादा देते हैं। हमारे असलाफ ने तो हुक्म दिया कि अगर दुआ नहीं कर सकते ना तो खामोशी अख्तियार करो, एक चुप सो सुख। दुआ नहीं दे सकते खामोशी अख्तियार करो। और हमारे बुजुर्गों की तो आदत करीमा थी, अगर कोई जुल्म करता कुछ भी करता तो वो तो पहले ये कहते कि ए मौला इसे हिदायत अता फरमा, अगर इसके नसीब में हिदायत नहीं फिर आगे जाके कोई बदवाई जुमले होते वो कह देते। आज तो हम हुदूदी पार कर जाते हैं। तो अर्ज है कि इस्लाम के दायरे में रहते हुए इस्लामी कवानीन पर अमल पैरा हो। जो बातें आपके सामने मैंने रिवायत के और कुरान के मुताबिक कही उसका खुलासा यही है कि जो हम पर फर्ज है उसे अदा करें, जो वाजिब है उसे अदा करें, माँ बाप का ख्याल रखें, दोस्त अहबाब का भी ख्याल रखें, रिश्तेदारों का भी ख्याल रखें, इन तमाम उमूर को मद्देनज़र रखें। और यही चीज़ें हैं जो हमें शरीयत मुतहरा पर पाबंद रखेगी भी और मैदान मेशर में निजात का ज़रिया भी बनेगी।